बेगूसराय से कौन जीत रहे हैं? तनवीर हसन है। तनवीर हसन जी, सुनने में आया कि गिरिराज सिंह जीत नहीं, रहे हैं। नहीं यार, कन्हैया जी भी कोई नंबर ही मिला। कन्हैया जी कोई नंबर? कोई नंबर। क्यों ऐसा क्यों? वो तो बोल रहे कि मुस्लिम लोग हमको समर्थन दे रहे हैं। मुस्लिम कैसे का? वो जो हम लोग कोई गठबंधन में बने नहीं ना, वो अकेला, इसलिए हम लोग कोई सवाल ही नहीं। गठबंधन के लोग सीपीआई को साथ में क्यों नहीं लिया, जबकि कयास तो ऐसी ही थी। नहीं नहीं, वो अब वो ज्यादा सीट मांगे तो कैसे होता। अच्छा, सीट के वजह से हो गया, कैंडिडेट के वजह से नहीं हुआ कि कैंडिडेट ऐसा? तनवीर तो यहाँ का ही, तनवीर को मिलता ही नहीं। नहीं, कन्हैया के कन्हैया कोई और जगह दिया जाता, यहाँ नहीं मिलता, यहाँ नहीं मिलता। अगर गठबंधन होता तो गठबंधन के बावजूद भी यहाँ से कन्हैया को नहीं मिलता। अच्छा, तो तनवीर हसन जीत रहे हैं, बिल्कुल गारंटेड है सर। वर्ष 2019 का जो बेगूसराय संसदीय क्षेत्र है, उसकी क्या परिस्थिति बनने जा रही है? 2019 का जो लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव में जो बेगूसराय की जो परिस्थिति होगी, बहुत ही शानदार परिस्थिति होगी, महागठबंधन के पक्ष में होगी। यहाँ से महागठबंधन के प्रत्याशी, राजद के सीनियर लीडर डॉक्टर तनवीर हसन भारी मतों से जीतकर पार्लियामेंट जाएंगे। महागठबंधन के प्रत्याशी को महागठबंधन के सभी पांचों विधायक लगे हुए हैं। तनवीर हसन की रुकावट क्या हो सकती है? तनवीर हसन की कोई रुकावट नहीं है कहीं पर। सुनने में आया था कि महागठबंधन से कन्हैया कुमार को मिलेगा, तो वो भी तो खड़े हैं। नहीं देखिए, सब पार्टी अपने अपने तौर पर, सब नेता अपने अपने तौर पर सोचते हैं, सुनने में जो भी आ रहा हो, लेकिन तनवीर हसन बहुत ही मजबूत स्थिति में है और भारी मतों से जीतकर पार्लियामेंट जाएंगे। विधानसभा भी लड़े थे सर? हाँ, विधानसभा भी लड़े थे। क्या हुई थी उसमें? उसमें बहुत कम मत से जो है इनकी मतलब हार हुई थी, बहुत ये, कम ये, मतों ये से। सर सांसद का चुनाव है? हाँ, सांसद का चुनाव है। पिछले बार भी सांसद का चुनाव लड़े थे 2014 में जी, तो उसमें भी जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरे देश स्तर पर एक लहर था, मोदी लहर, सत्ता परिवर्तन का लहर था, बावजूद उसके उन्होंने भारी कांग्रेस लाए थे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आप कितना सही मानते हैं? कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो अभी जो घोषणा पत्र लागू हुआ है, ये तो एकदम बिल्कुल किसान के हित में है, गरीबों के हित में है। सालाना 72,000 रुपया कांग्रेस बोली है, दावा वादा कर रही है कि हम जीत कर आएंगे, सरकार में सत्ता में आएंगे तो हम कहाँ से देगी? वो तो बता रही है कि सरकार के पास इतना खजाना है कि हम उससे पूर्ति करेंगे। अच्छा, ये खजाना अब आ गया है? अब आ गया है कि सेना के मामले में उनका मैनिफेस्टो क्या बोलता है? सेना के मामले में देश के, हमारी सेना, हमारी जवान, हम उनका मान सम्मान करते हैं, हमारी देश की रक्षा करते हैं, उनका मैनिफेस्टो वो जो मतलब देश हित में होगा वही होगा ना। अच्छा, केंद्र में किसकी सरकार होनी चाहिए? केंद्र में तो बिल्कुल इस बार का जो 2019 का जो इलेक्शन है, बिल्कुल सत्ता परिवर्तन का लहर चला हुआ है। इस बार तो एकदम मतलब राहुल गांधी के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में, पूरे हर स्टेट में देखिए जहाँ भी जो है सेकुलर पार्टी, उसके पक्ष में लहर चल रही है। बिहार सरकार कहती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण भोजन। आपको लगता है कि आपके वार्ड में जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जो मिडिल स्कूल हैं, उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण भोजन का प्रावधान ज़मीन पे उतर रहा है? देखिए, मेरा वार्ड नंबर नगर पंचायत बलिया में वार्ड नंबर 17 है, शहर लखमीनिया है। मेरे वार्ड में 2 आंगनबाड़ी केंद्र है, आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 59 है और आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 125 है। इसके अलावा मेरे वार्ड के अंदर कोई प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल नहीं है। जहाँ तक आंगनबाड़ी केंद्रों की बात है, 2 आंगनबाड़ी केंद्र पर हमारे यहाँ बहुत ही पाबंदी से, चूँकि हमारे यहाँ हम में मतलब जो देखते हैं बिल्कुल कि जो आसपास के लोग होते हैं या जो आंगनबाड़ी केंद्र के कमेटी के लोग हैं, वो पूरी निगरानी रखते हैं, जिस कारण जो है समय पर पोषाहार का भी। कन्हैया कुमार की क्या स्थिति रहेगी? कन्हैया कुमार की स्थिति है ही नहीं, तो स्थिति रहेगी कहाँ से? लड़ाई किन के बीच है? लड़ाई हमारी सीधी आर पार की लड़ाई है, और वो जो है गिरिराज सिंह जो कैंडिडेट हैं, जो एनडीए के हैं, उनसे लड़ाई है। कन्हैया जी लड़ाई में नहीं है, कहीं नहीं है। 2019 का चुनाव कैसा होना है बेगूसराय में? बेहतरीन ढंग से होगा, और यहाँ पर जो हवा है वो
राजद का है, राष्ट्रीय जनता दल का हवा है, महागठबंधन का नहीं है? महागठबंधन का ही है, सारे महागठबंधन जो इस बार बने हैं, रालोसपा और सन ऑफ मल्ला जो सहनी की पार्टी है, वीआईपी पार्टी, उसके अलावा जीतनराम मांझी की पार्टी। 2019 में जीतेगा कौन बेगूसराय? बेगूसराय तनवीर हसन साहब जीत रहे हैं महागठबंधन से। लेकिन कन्हैया कुमार बोल रहे हैं कि कन्हैया कुमार हवा हवाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग कह रहे हैं कि युवा वर्ग है पसंद। युवा वर्ग है लेकिन जमीन पर उसका कोई अस्थाई नहीं है। कैसे? जमीन पर आप जब चलेंगे तो बुद्धिजीवी बुजुर्ग लोग से अगर आप मिलेंगे तो वो सही से कन्हैया को जान भी नहीं रहे हैं। और बात रही तनवीर हसन साहब की, तो पिछले 40 वर्षों से छात्र राजनीति में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और छात्र राजनीति से ही वो देश स्तर पे जो है उनको जाना गया है। दूसरी बात कि हर गली बेगूसराय की किसी भी गली किसी भी मोहल्ले किसी भी पर तनवीर हसन को लोग क्यों वोट देंगे? तनवीर हसन बहुत सादगी पसंद इंसान है, अमन पसंद इंसान है और समाज के हर वर्ग से उनका जुड़ाव रहा है पिछले 40 वर्षों से बेगूसराय जिले में। इस वजह से लोग उनको चाहते हैं और सभी वर्ग के लोग चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम में हर बिरादरी के लोग उनको चाहते हैं। अच्छा, सीपीआई को मुस्लिम वर्ग का वोट नहीं जा रहा है? सीपीआई को मुस्लिम वर्ग का कुछ नौजवान अभी जो है 10-20% लोग जो है हवा हवाई में उनकी तरफ रुझान है, लेकिन लास्ट टाइम में वो भी बदल जाएंगे। मुस्लिम वोटरों का तो बहुत ख्याल रखा गया इस बार, तनवीर हसन को रखा गया इसी के लिए। तनवीर हसन को मुस्लिम वोटों के अलावा यहाँ जो समीकरण बना है महागठबंधन का उसके हिसाब से रखा गया है। और क्या लगता है वो जीत जाएंगे? बिल्कुल इस बार जीतेंगे। अच्छा, कन्हैया कुमार और चाहे गिरिराज सिंह से टक्कर है कि किनके साथ टक्कर है? टक्कर इनका जो है वो गिरिराज सिंह से है, ना कि कन्हैया कुमार भी कहीं पे भी नहीं है। बेगूसराय के सांसद किनको बना रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि कोई सेकुलर आदमी हो, उसके लिए सबसे फिट आदमी तनवीर हसन है। अच्छा, ये तनवीर हसन यहाँ से जीत पाएंगे? कन्हैया जी भी खड़े हैं, लगता तो यही है कि 100% नहीं तो कम 95% श्योर है कि जीतेंगे। अच्छा, आप लोगों की संख्या 250,000 के आसपास है और ये संख्या क्या तनवीर हसन को 100% मिल रही है? अब वोट कॉस्ट कितना परसेंट होता है, हैं उस लिहाज से उनको तो मिले ही गए, परसेंटेज वोट मिलेगा। परसेंटेज वोट लगता है आपको तनवीर हसन जीत रहे हैं महागठबंधन से? जी निश्चय जीत है। कन्हैया कुमार टक्कर नहीं दे रहे हैं? नहीं, कन्हैया कुमार कहीं पर रेस में नहीं है, तीसरे पोजीशन पर कन्हैया कुमार रहेगा। अच्छा, तीसरे पोजीशन पर चले गए हैं, क्या लगता है आपको कौन जीत रहा है यहाँ? तनवीर हसन आसानी से जीत रहे हैं। तनवीर हसन जी, कैसे कह सकते हैं कि तनवीर हसन जीत जाएंगे? पिछली बार मामूली वोट से वो हारे थे। तो पिछली बार तो विधायक का था ना? विधायक नहीं, एमपी लड़े थे, एमपी लड़े थे। तो मामूली वोट से वो हार गए थे। अच्छा जी, इसलिए इस बार जीत सकते हैं। और इस बार कंटेस्ट जो है बिल्कुल आसान है, महागठबंधन है और बड़ी बड़ी पार्टी हमारे साथ है।